आलू ड्राई डोसा, मशरूम मंचूरियन डोसा, मैक्सिको बरितो डोसा, अमेरिकन रैप डोसा, चिली गार्लिक चीज डोसा, एक से एक आइटम बनाएंगे पापा। और यहाँ यहाँ टेबल कुर्सी डाल के लोगों को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वाह अभिषेक वाह, अब तो मुझे भी विश्वास हो रहा है कि तेरा ये पैंतरा अन्ना भाई और गायत्री को चारों खाने चित करके रहेगा। हाँ आपको ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो फिर बोल डालिए ना अपना वो तकिया चादर। तकिया कलाम? हाँ हाँ भैया जो भी है बोलिए ना। हाँ बोलता हूँ। हाँ हम अन्ना भाई को हराएंगे, आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। मंदार बता क्या खबर लाया है? मैं जो खबर लेकर आया हूँ उसे सुन के आपके कण विचलित हो जाएंगे। अच्छा ऐसा क्या सुना तूने? मैंने जो सुना ये बताने के लिए मैं तो भागा भागा चला आया। वाह 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 वा। लेकिन तूने सुना क्या? मैंने जो सुना यदि वो आप सुनेंगे तो। अब गप बस, मैं कब सुनूंगा कि तूने क्या सुना? सुनी अब आप क्या करेंगे अन्ना? टेलीफोन। आइए आइए आइए, वेलकम टू गायत्री डोसा सेंटर। 100 साल पुराने गोखले बंदू के लड्डू की केक। Inaugural offer. Eat one dosa and get one dosa free, free, free. कोतंबीर वड़ी के साथ ले जाइए। ये महेंद्र 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 सुनो सुनो सुनो। Eat one, get two free, two two. नहीं नहीं two नहीं two नहीं four 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 चार हाँ चार. Eat one, get four free. नहीं 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 eight eight eight. Eat one, get eight free. नहीं नहीं उर्मिला eat one. And get पूरा का पूरा डोसा का खीरा फ्री, ऐसा बोल दूं? ओ अन्ना भाई केशव, आप क्या दांत दिखा के खीखी खीखी करके हंस रहे हैं? हाँ? अरे सामने इतने सारे जोकर खड़े हो कर्तव्य दिखाने के लिए, तो हंसी तो छूटेगी। हंसी नहीं अन्ना भाई, पसीने छूटेंगे पसीने। जब हमारा ये डोसा काउंटर आपका ये कोथंबीर वड़ी और बटाटा वड़ा के लाइव काउंटर की वाट लगाएंगे ना तब। पापा बिजनेस पे ध्यान दीजिए ना, देखिए कस्टमर आ गया। आइए 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 बोले क्या दूं मैं आपको? शेजवान डोसा ट्राई करेंगे आप? चीज चेरी पाइनएप्पल ट्राई कीजिए आप? नहीं नहीं मैं आपको मंचूरियन डोसा खिलाता हूँ, उंगली चाटते रह जाएंगे। आई 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 अब आप बैठी बैठी। अरे उनको बाद में देना, पहले आप बताइए कि आप और अभिषेक पुलिस थाने में क्या खाएंगे? पुलिस थाने में इंस्पेक्टर आ गए हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। हेलो सुप्रभात, कैसी है तू? हाँ अच्छा सुनना, आज हमारे अन्ना पड़ोस वाले परिवर्तनवादियों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तू उर्वशी संध्या और हृदयनाथ को बता देना। हाँ महीने क्या कर रही है आप? अरे वो अन्ना ने जाते जाते कहा था ना कि भारती पूरे बिरादरी को पूरी दुनिया को बता देना कि आज पड़ोस वालों की मैं कैसे धोबी पछाड़ करने वाला हूँ। हाँ तो हेलो उन्नति, हाँ सुन मैं, अरे काट फोन, फोन काट काट वरना इस चाकू से तुझे काट दूंगी, काट फोन। बरोबर हेलो उन्नति, रॉन्ग नंबर। अरे तेरे अन्ना ने बोला कि सारी बिरादरी को बता देना तो तू बताने लगी सबको? मैंने सबको नहीं बताया, मैंने सिर्फ 236 को फोन किया है अब तक। देवा क्या? 236 फोन किए आपने?
क्यों? वो अभी सस्ता हो गया ना, एक फोन सिर्फ 25 पैसे का पड़ता है। अरे वाह, बहुत सही किया तूने। तेरे अण्णा ने पूरी दुनिया को फोन करने को बोला था ना, तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया ना तूने। नहीं सासु भाई, उनका नंबर कैसे होगा मेरे पास? तेरे पास तो दिमाग भी नहीं है। बरो बरो। वही नहीं, आप रोइए मत। हमारे दो परिवारों के बीच सोच को लेकर जो मतभेद है ना वहीनी, वो हमारे आपसे ही मतभेद है। लेकिन अन्ना ने कहा था निर्मिति कि तू सबको बताएगी ना। बोलो हाँ। तो मैं बोली थी हाँ, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी। तेरे अन्ना को कमरे में बिठा के डांटने का समय आ गया। रुक। अरे आई आई, आप रुकिए, आप थोड़ा संयम रखिए वरना बात बिगड़ेगी। अरे और कितनी बिगड़ेगी बात निर्मिति, तमाशा बन गया हमारे दोनों परिवार। माना कि तेरे अण्णा सही है, इसीलिए तो मैं उनके साथ खड़ी रही अभिषेक के खिलाफ, लेकिन अपनी सच्चाई पे इतना घमंड कि घर की आबरू, घर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। मुझे तो डर लग रहा है, विचारों का ये मतभेद दिलों का मतभेद बन जाएगा तो क्या करेंगे हम? इसके बारे में कभी सोचा है तूने भारती? नहीं नहीं सोचा, अभी आराम से बैठ के सोचती हूँ। ए हाय हाय, ओ हवलदार रुको, आप कैसे आगे चले आ रहे हो? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इंस्पेक्टर हूँ। हाँ भैया, सेम अवे। ये देखो अभी ये भी सेम, अभी बोलेगी दोनों ने खाकी कपड़े ही तो पहने हैं। हाँ तो पहना तो है। ए डूबी, खाकी कपड़े को अपना डाकिया भी पहनता है? मेरी भारती का भाई चंद्रकांत भी गहनों की दुकान में वॉचमैन है, वॉचमैन नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी पे रोज सो जाता है लेकिन आंख खुली रख के। अभी जरा गप्पा बस, मुंह बंद रख के। और इंस्पेक्टर, आप इन लोगों को बता दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ये आपने लाइव काउंटर जो शुरू किया है तो इसका लाइसेंस है आपके पास? बोलो। अरे क्या लाइसेंस इंस्पेक्टर साहब, हमारी पूरी दुकान लाइसेंस्ड है। हाँ सुना। पर ये लाइव काउंटर शुरू करके आप जिस तरह से एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब आप आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, अरे गोखले बंधु ने भी तो लाइव काउंटर खोला हुआ है यहाँ पे। कोथम्बीर वड़ी, बटाटा वड़ा, घपा घप बेच रहे हैं। लेकिन पापा, हमारे यहाँ सिर्फ टेक अवे का जॉइंट है, ओनली टेक अवे। देख लीजिए वहाँ साफ साफ लिखा है, डू नॉट ईट हियर, मतलब इधर खाना मना है। और आप लोगों ने क्या किया? हाँ, गिराई को बिठा बिठा के खिला रहे हैं। है क्या लाइसेंस है क्या आपके पास? होटल का, रेस्टोरेंट का, वो फायर बियर का लाइसेंस लगता है इसके लिए। बियर का लाइसेंस? तो गप्पा बस। है क्या लाइसेंस है क्या? अब वो अभिषेक प्रेसी लाइसेंस वो तो तुमने बनवाया होगा ना अभिषेक? तू इसको क्या पूछ रही है? और तू उसके बाजू में क्यों खड़ी है? सबसे पहले हाथ क्यों लगा रही है? तू इधर आ, तो आती रहे तू, जब देखो तब मेरे जमाई के बाजू में जा जा के खड़ी हो जाती है। और डोबी, ये लाइव काउंटर का आइडिया तूने दिया था ना? एक्सक्यूज मी, मैं तो सिर्फ आप सबकी हेल्प कर रही थी। लाइसेंस तो आपको बनवाना था, इट्स अ कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस बोल के मेरे जमाई को क्यों देख रही है तू? है अरे डोबी, तू क्या इस बात की बाल की खाल निकाल रही है? जमाई के बाजू में क्या खड़ी हो रही है ये? और अरे या इंस्पेक्टर साहब देखिए। नहीं, पहले अभी है ना आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हवलदार वहां से सब हटवाओ, बंद करो काउंटर, बंद करो, चलो। ओ भाई तू क्या अभी मेन्यू कार्ड लेके बैठा है? देखा नहीं इधर इतना सब हो गया, उसके बाद भी तुझे मंगवाने का है? उठ उठ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनको हमने अभी तक सर्व नहीं किया है। अरे लेकिन उनको तो किया ना। ओ देखो उन्होंने डकार भी ली, मतलब इनका तो हो गया ना, मतलब ये तो अभी यहाँ से चले जाएंगे। और इनको तो अभी तक हमने सर्व किया ही नहीं है। और ये आपने जो टेबल्स चेयर्स ये सब लगाए हैं ना, वही काफी है साबित करने के लिए कि आपने बिना वैलिड लाइसेंस के रेस्टोरेंट शुरू कर दिए। और ये बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है, इट्स अ प्रॉपर ऑफेंस। सर हमें नहीं पता था, सॉरी। हाँ अन्ना भाई। हाँ आपको तो पता था ना, फिर भी हमें नहीं बताया ना? नहीं बताया, उल्टा मैंने तो इंस्पेक्टर को बुलाया है इधर, है ना गायत्री?
मींस के महेंद्र, इनको पहले से पता था कि हम डोसा काउंटर डालकर डोसा सर्व करने वाले? उर्मिला बहन, जब आप मेरे पीछे जासूस छोड़ सकती है तो मैं नहीं क्या छोड़ सकता? और अभिषेक, मैं तेरा बाप हूँ बाप, तू बाप का बाप कभी नहीं बन पाएगा, समझा? हाँ, लेकिन ये सगे बाप की दादी बनकर हंस रही है बेशरम, वो देखो ना, जो जो वांद्री गायत्री। इंस्पेक्टर, ये आपके बटाटे वड़े और कोथिंबीर वड़ी का ऑर्डर 580 रुपीस हुआ। थैंक यू। और एक और रिक्वेस्ट थी, देना। हाँ, वो हमारे समधी जी और अभिषेक को लेकर हमारे परिवार में दुश्मनी हो गई है ना, उसको लेकर अन्ना उनकी धज्जियां नहीं उड़ाने वाले हैं। हाँ हाँ, तू सुप्रभात विद्या और आशावरी को बता देना। बराबर। हाँ भारती, तेरी अकल ना मोटी हो जाएगी बेटा, जा उसे वापस ले आ गार्डन से। जी, मेरी अक्कल सासू भाई? वो घास खा रही है ना पीछे के गार्डन में। वहीनी, आप सबको फोन कर करके उल्टा क्यों बता रही है? ताकि हमारे परिवार के छवि को जो मैंने नुकसान पहुंचा है ना, पहले फोन कर करके। अरे तो हमारे परिवारों में कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकती तू फोन करके। बराबर। हेलो संध्या। हाँ, हमारे और समधी जी के परिवार के बीच जरा भी दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसलिए अन्ना उनकी धज्जियां नहीं उड़ाने वाले। हाँ हाँ, पहले उड़ाने वाले थे लेकिन अभी नहीं उड़ाने वाले। हाँ, पहले दुश्मनी थी लेकिन अब भी मेरे सासू भाई ने बताया ना, तो हम लोगों ने वो दुश्मनी भी मिटा दी। तो सबको बता देना और आशावरी को अब भी बता देना फोन करके। बराबर। हाँ निर्मिति, इसकी अकल ले आ और इसके फोन को भेज दे घास चरने के लिए उस गार्डन में। मैं तेरा क्या करूं भारती? सासू भाई, मेरा जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन मैं क्या करूं वो आप पहले मुझे बता दीजिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तू ना, तू डांस कर, लावणी मस्त करती है ना, तू कर वो। बराबर। आप इन लोगों को गिरफ्तार मत कीजिएगा। बराबर बोली मेरी बेटी गायत्री, ये सचमुच में अन्नाड़ी लोग हैं, इनको कुछ मालूम बिलूम नहीं था। हाँ, ये डोबी प्रियसी डफोड़। ए तू वापस क्या उसके बाजू में जाके खड़ी गई? तू आम आउती रहता, तू बार बार मेरे जमाई के बाजू में जाके क्या खड़ी हो जाती है? ये इसके ही कारण हुआ है सब। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी इसी से ही सब उठवाती हूँ। इंस्पेक्टर, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मेरी गायत्री के कहने पर छोड़ा आपको। तो फिर राम राम इंस्पेक्टर। चल तो तू कामे लग, चल उठा, चल ये सब इधर से। कमल छा बेजना जी आई है, चल चल तू। ओ महेंद्र बाबू, क्या ऐसे खुन्नस क्या दे रहे हैं मेरे बेटी को? हाँ, मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ अन्ना भाई, अपने इस पिता की संस्कृति को बचाने के लिए अपने सगे पिता को सबक सिखाने चली, लेकिन अपनी सीमा नहीं छोड़ी मेरी बेटी ने। थैंक यू अन्ना भाई। मुझे क्यों? आपको थैंक यू पुलिस बुलाने के लिए। और गायत्री बेटा, तुझे थैंक यू हमें पुलिस से बचाने के लिए।
जो जैसा चल रहा है चल ले। उन लोगों ने अमोल भाऊजी को जासूस बना के भेजा तो अंडा ने अपना जासूस भेज दिया। उनको लगा कि वो लोग हमसे जीत जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा जवाब दिया ना उनको। हो ना, मेरे मंदार ने ऐसा अच्छा जासूस का काम किया। माते, मैंने अपने कर्णपटल से उनकी सारी योजनाओं का श्रवण करके इस तरह से अन्ना को मदद की कि शत्रु पक्ष उध्वस्त हो गया। ओ मंदार दादा, आपकी भाषा समझाने के लिए है ना एक ट्रांसलेटर रख लो। ये बार बार आपकी बात समझाने में है ना मुझे मजा नहीं आ रहा है। और मम्मी आप, वैसे तो आप कहती रहती है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, माफी ही बहुत बड़ी चीज होती है, और खुद हम लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, ऐसे करके भेदभाव कर रही है और दूरियां बढ़ा रही है। पता है वो बेचारे महेंद्र अंकल की हालत क्या हो गई है गायत्री काके से दूर रह के। बंडिया बता इनको हमने क्या देखा। आपको पता है गायत्री काके, आपके पापा है ना वो। अरे बंडिया रुक क्यों गया, बता सबको। मैं बताती हूँ उज्ज्वला, गायत्री काकी आपके पापा है ना उधर चबूतरे में खड़े होकर हमारे घर में जाकर आपको देखते रहते हैं कि आप खुश हैं कि नहीं। हाँ काकी, वो अपने हार में भी आपकी जीत देखकर खुश होते रहते हैं। और हम लोग, हम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं काकी। मैं तो कहती हूँ कि आप जाकर अभिषेक काका और आपके पापा को मना लीजिए तो मुझे बहुत मजा आएगा। बच्चों, प्यार ममता वात्सल्य इन सबसे भी बड़े होते हैं सिद्धार्थ। जिस तरह बड़े बच्चों से कितना भी प्यार करें लेकिन उनकी गलती होने पर उन्हें सबक सिखाते हैं, उसी तरह कभी कभी जब बड़े गलती करते हैं तो हम बच्चों का भी उतना ही फर्ज बनता है कि उन्हें सबक सिखाएं। और आप लोग चिंता मत करो, एक ना एक दिन अभिषेक और पापा ये सबक सीख जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आएंगे ना काके? जरूर आएंगे, और तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। चला आता, खाने की तैयारी करते हैं, सबको भूख लगी होगी ना। चलो चलो। उर्मिला इतने सारे डोसे, पूरी सेना आने वाली है क्या खाने के लिए? हाँ, सेना के लिए ही है ये सब खाना। हारी हुई सेना, ये मेरे सेनापति और ये मेरा सेना दामाद, और मैं जिसको इस सेना की वजह से सब सहना पड़ रहा है। चले थे बड़े डोसा काउंटर खोलने हैं, बिना कुछ सोचे समझे। पूरे साउथ इंडिया में नहीं होगा ना इतना डोसे का सामान है हमारे पास। ये देखिए, ये इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए, ये अभी 2 महीने तक डोसे ही खाते रहना आप दोनों। हाँ, चले थे बड़े लाइव काउंटर खोलने हैं। भाई 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 भाई। सच्ची में वो अन्ना ने खाने को लेकर एक स्पर्धा शुरू कर दी। अच्छा, प्रिंसिपल साहब आपकी विद्यार्थी खड़ी है, आप मार्क दीजिए। सब्जी मैंने बनाई थी फंसी की। सब्जी? बाप रे बाप, कमाल बनाई। नहीं जोत्सना, मतलब गुजराती होने के बाद भी इतनी कोकणी पद्धति से नारियल बिरियल डाल के, बहुत अच्छा। सब 100 में से 90 मेरी गायत्री को। अन्ना दाल मैंने बनाई थी। दाल थोड़ी अप्रतिम बन गई थी। मस्त मराठी मसाला मिसाला डाल के एकदम तिखाट जनजनित बनाई थी। हाँ, और वो
वो कटोरी के अंदर कोयला बीला जला के वो पद्धत इसे पता है, साणी को पता है कि मुझे ऐसी पद्धत बहुत अच्छी लगती है। 100 में से 95। भाई 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 तब तो मुझे आज 100 में से सिर्फ 35 मार्क्स ही मिलेंगे। वहिनी ये कैसा इशारा था 100 का? वो पंजाबी लोग ऐसे ही तो कसम खाते हैं। मुझे रब दी 100। तो ये 100 का इशारा था। निकल निकल अन्ना, मुझे आज 100 में से 35 मार्क्स ही मिलेंगे ना। अरे अरे प्रभाकर पत्नी, 100 में से 35 ही क्यों मिलेंगे बाड़ा तुझे? क्योंकि मैंने आज सिर्फ चपाती और चावल ही बनाए। फिर तो तुझे 100 में से 100 मिलेंगे। अरे बाड़ा देख, सब्जी और दाल अगर गहने हैं तो चपाती और चावल अंग है अंग। हाँ, अंग के बिना गहनों का क्या काम, वैसे ही चपाती और चावल के बिना ये सब्जी और दाल क्या करेंगे? कुछ नहीं। 100 में से 100। 100 में से 100 मार्क्स मिले इसलिए मैं खुशी से घूम रही हूँ। लेकिन अन्ना ने ऐसे मार्क्स देना कब से शुरू कर दिया? आज से। गायत्री का सुझाव था कि हमें छोटी से छोटी उपलब्धियों को भी ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो बहुत मजा आता है और सच्ची में आया भी। अच्छा हाँ। तब तो आज मेरा गाना पूरा होते ही मैं भी सेलिब्रेट करूंगा। हाँ। और सेलिब्रेशन में मैं तुम्हें मेरा गाना सुनाऊंगा। हाँ हाँ आप लिखिए, मैं सुनूंगी भी और मार्क्स भी दूंगी। 0 0 मार्क्स आपको महेंद्र। नहीं, माइनस भी नहीं, उसके भी नीचे नीचे, एकदम नीचे का। उर्मी क्या उर्मी है? होटल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इतना भी नहीं पता था महेंद्र आपको है? और अन्ना भाई के सामने उनको हराने चले,